हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया ए हिप ऑफ वेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन हुज डायमीटर 10.5 मीटर, यानी कोई अनाज की ढेरी है, ठीक है, जिसकी शेप कुछ इस तरीके से बनी हुई कॉनिकल, ठीक है फ्रेंड, अनाज की ढेरी की जिसका डायमीटर दे रखा 10.5 मीटर और इसकी जो हाइट है, ये तो होगी इसकी हाइट, ये L और ये होगी R, तो इसकी जो H दे रखी वो दे रखी 3 मीटर। एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हिप, इसके अंदर वॉल्यूम कितना होगा इससे अनाज की ढेरी का वो बताना मेरे को। और बोला गया द हिप इज टू बी कवर्ड बाय अ कैनवस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेन, फाइंड द एरिया ऑफ अ कैनवस रिक्वायर्ड। अब इसको ढकने के लिए मेरे को त्रिपाल चाहिए होगा, कैनवस चाहिए होगा, तो उसका एरिया भी मेरे को बताना है, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा हिप ऑफ वेट, यानी कि अनाज की ढेरी, जिसे मेरे को एच की वन है 3 मीटर और इसका डायमीटर की वन है, इसको बोलेंगे व्यास 10.5 मीटर। तो रेडियस कितनी होगी, डिवाइड कर देते 2 का, अगर मैं इसमें 2 का डिवाइड दूंगा तो मेरा आएगा 5.25 मीटर, ये मेरी कौन आ गई, रेडियस आ गई। क्वेश्चन में पूछा गया इसका वॉल्यूम बताना है, ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल देते हैं, यानी कि आयतन, फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 5.25 इंटू में 5.25 और इसकी एच, एच कितनी दे रखी थी 3 मीटर, 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, 7 से काटते हैं, पहले डेसिमल आएगा 7 49 4 और 3 7 5 35, ये आ गया 22 इंटू 0.75 5.25, इन सबको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक, 22 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 5.25, तो ये आ जाएगा 86.625 मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ गया। फिर क्वेश्चन में बोला गया इसको ढकने के लिए कितने कैनवास की जरूरत पड़ेगी। मान लो फ्रेंड कि ये मेरी कोई अनाज की ढेरी थी, इसके ऊपर जो मैंने रेड कलर का लगा रखा है, ये मान लो मेरा कैनवास है, ये निकालना है मेरे को, इसे बोलते हैं कवर्ड सरफेस एरिया, और इसे निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एल की। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एल निकालेंगे, यानी कि ये, अब एल का फॉर्मूला होता है एच स्क्वेयर प्लस में आर स्क्वेयर, एच कितनी है 3 मीटर और आर, आर दे रखी मेरे को 5.25, 3 3 9, अब 5.25 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी से, तो ये आएगा 27.5625, ठीक है, दोनों को मैंने प्लस कर लिया, प्लस कर लिया तो 36.5625 आ जाएगा। अब फ्रेंड इसके ऊपर से स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या जाएगा, अंडर रूट जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड अब इसका हम रूट निकाल देंगे, तो इसका रूट निकालेंगे तो मेरी वैल्यू आएगी 6.047, ठीक है, मीटर। और फ्रेंड ये रूट कैसे निकाला मैंने, फ्रेंड मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी है, हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट, ठीक है, सॉरी रूट, तो आप, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको देख लें ताकि आपको आसानी हो इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये मैंने एल निकाल दिया, तो मेरे को चाहिए एरिया ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस, कैनवस का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होगा पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर दे रखा मेरे को 5.25, एल 6.047, कितना है 0.75, 22 इंटू 0.75 6.047, इन तीनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे एरिया निकल के आ जाएगा, ये आएगा 99.7755 मीटर स्क्वायर। तो इसको अप्रॉक्स में हम लिख लेंगे फ्रेंड 99.78 मीटर स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मेरा आंसर ये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, ओके बाय बाय, थैंक यू।